हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले के लिए आपको पहले दाल भिगोनी पड़ेगी, सफेद उड़द की और पीली मूंग की दाल। इसका आपको हम रेशियो बता देते हैं। आपको 1:3 का रेशियो लेना है। अगर आपने 1 पार्ट पीली मूंग की दाल ली है तो 3 हिस्सा आपको सफेद उड़द की दाल लेना है और आपको इस दाल को 3 से 4 घंटे भिगो के रखना है। अब हम इस दाल को मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस दाल को ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और सुबह आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। स्टार्ट। आइए, तो ये हमारी दाल एकदम पिस चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो दही भल्ले के लिए आपको ऐसा कमाल ट्रिक देगी कि आपके दही भल्ले ऐसे बनेंगे जो मुंह में ही डालते ही खुलेंगे। आपको दाल के अंदर ना दाल को बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। दाल आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से जब कैरी करें और जब ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे तो वो अच्छी शेप में बननी चाहिए। तो दाल ना तो पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। दूसरी ट्रिक मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी, पहले हम कुछ सामान डाल लेते हैं। ये देखिए, ये सामान है नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी किशमिश और ग्रीन चिली। तो आइए अब हम इस घोल में डालते हैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी किशमिश एंड ग्रीन चिली। लास्ट थिंग इज यू हैव टू पुट 1-3 चम्मच आपको तेल डालना है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, अब आपको क्या करना है, इस घोल को 15 से 20 मिनट्स अच्छे से फेंटना है। ध्यान रखिए 15 से 20 मिनट्स। अगर जितना अच्छा आप इस दाल को फेंटेंगे उतने ही अच्छे मुलायम मुंह में घुलने वाले दही भल्ले आपके तैयार होंगे। ये हमारी दाल फिट के तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस दाल में कितनी फ्लफीनेस है। यही है ट्रिक जो आपको अपनानी है दही भल्ले बनाने के लिए। दही भल्ले के घोल को फेंटना सबसे जरूरी है। अगर आप जितना अच्छा इसको फेंटेंगे उतने अच्छे मुंह में घुलने वाले दही भल्ले आपके बनेंगे। आइए, अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इन दही भल्लों को कढ़ाई में तलेंगे। ये देखिए दही भल्लों ने कितनी अच्छी शेप ले ली है। इसी तरीके से हम ये सारे दही भल्ले तल के साइड में रख लेंगे। भल्लों का शेप देखिए, सूखे भल्लों की शेप कितने गोल गोल बने हैं और हमें इन्हें हल्का गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है। हमारे भल्ले तल चुके हैं, कलर देखिए, आपको इनको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इन भल्लों को एक साइड में रख लेते हैं। हम अपने भल्लों को, ये हमने एक बाउल के अंदर पानी गरम कर लिया है और अब हम इन तले हुए भल्लों को पानी के अंदर डुबा के रखेंगे। ये हमने एक पतीले के अंदर गरम पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब इनको भल्लों को हम गरम पानी के अंदर डाल रहे हैं। चलिए, अब जब तक ये भल्ले पानी के अंदर डूब रहे हैं, गर्म पानी के अंदर, हम अपनी इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 200 ग्राम इमली ली है और 200 ग्राम के करीब चीनी ली है। इस इमली को मैंने 10 मिनट भिगा के रखा है ताकि ये इसमें से सारी गंदगी, मिट्टी, धूल जो भी हो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो आपको भी इसको 10 मिनट भिगा के रखना।
इस धुली हुई इमली को हमने आप गैस पे थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करने के रख दिया है। अब हम इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे और जब ये अच्छे से बॉयल होकर इमली पूरा पानी के अंदर घुल जाएगी, थोड़ी देर इसको गैस को बंद करके और फिर हम उसको किसी एक अच्छी छन्नी से छान लेंगे। जो हमारा गाढ़ा गाढ़ा इमली का बैटर होगा वो हम उसको अलग कर लेंगे और बीज और छिलकों को। तो हम अभी इसको उबलने देते हैं, अच्छा सा इसके अंदर पानी के अंदर घेर आने देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमने अच्छे से 10 मिनट तेज फ्लेम पे और 15 मिनट अगर आप करते हैं तो लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको अच्छे से पानी को बॉइल कर लिया। अब देखिए इमली कितने अच्छे से पानी के अंदर मैश हो चुकी है। अब आपको ये गर्म है, 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हम छानेंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। और फिर हम उसको हाथ से मैश करके अच्छे से उसके बीच बीच और जो भी गूदा है वो साइड में कर लेंगे। ये 10-15 मिनट छोड़ने के बाद ये अब थोड़ा सा ठंडे हो गया है। अब हम इसको एक छन्नी में छान लेते हैं। अब आपको ये करना है, आपको इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसके गूदे को अलग करना है और बीज को भी अलग करना है। अब देखिए हमने ये पूरा गूदा बीज अलग करके इसको एक छन्नी से छान लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैश कर लेंगे। पिसा हुआ जो इमली का घोल था हम अब इसको छान लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जितना अच्छा इमली का तत्व है सारा घोल के अंदर वो छन के पानी के साथ बाहर आ जाएगा। वैसे तो हमने पहले ही वो घोल निकाल लिया था। ये अब हमने अच्छे से जो मिक्सर ग्राइंडर में इमली के गूदे को पीसा था उसको अच्छे से छान लिया है और छन्नी के साथ दोबारा छान के उसमें से जो अलग गूदा था उसको भी अलग से निकाल दिया। अब ये सिर्फ पानी पानी है और इसके अंदर और पानी मिक्स कर दिया है। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए चटनी बनाने के लिए। सॉल्ट, रेड चिल्ली, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और ये भुना हुआ जीरा और ये आपको 225 ग्राम चीनी और कुछ ये भीगी हुई किशमिश है। अब हम क्या करेंगे, इस छने हुए इमली के पानी को गैस पे बॉईल करने के लिए रखेंगे। आइए अब हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये अब गैस पे जो उबल रही है चटनी इमली की, हम अब इसमें डालेंगे ये चीनी, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, एक से दो चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये भुनी हुई भीगी हुई किशमिश। अब हम इसे और अच्छे से गैस पे बॉईल होने देंगे। चीनी डाल दी है, चीनी अब इसके अंदर घुलेगी और थोड़ा सा इसको अच्छे से मीठी चटनी को बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी और चीनी भी अपना कलर ले लेगी और इससे अच्छा रंग आएगा। देखिए हमारी चटनी का कितना अच्छा कलर आ गया है। अब ये ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है, एकदम परफेक्ट कलर बाजार जैसा। बस अब हम इसे थोड़ी देर में बंद करके और ठंडा करने के लिए रख देंगे। फुल टाइम हमें इसे बनाने में कम से कम 1.5 घंटा लगा है। 10 मिनट आपको इमली भिगोए जो कि आपकी गंदगी निकालने के लिए, उसके बाद हमने उसको 15-20 मिनट पानी में बॉईल किया गैस पे, फिर हमने उसको छाना, बीज निकाल के हमने मिक्सर ग्राइंडर में उसको मैश कर लिया।
फिर हमने उस गूदे को छान के ये इमली का पानी रेडी कर लिया जिसे हमने बॉईल करने रखा। तो फुल चटनी का प्रिपरेशन टाइम में हमें 1.25 से 1.5 घंटा लगा बनने में। अब ये चटनी बिल्कुल बन के तैयार है। हम अब इसे नीचे उतार गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है चटनी का, बाजार जैसी चटनी लग रही है। चटनी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसको गैस के बंद करने के बाद 10-15 मिनट के लिए ठंडा कर लिया। अब हम जो दही भल्ले हमने गर्म पानी में डाले थे उसको हमने गर्म पानी में 20-25 मिनट रख के गर्म पानी निकाल लिया है। अब हमारे भल्ले बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम इसमें प्लेटिंग करेंगे। शेप देखिए भल्लों की, एकदम गोल शेप है। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही के बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और भुना पिसा हुआ पुदीना डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम डालेंगे इस पे लेकी चटनी। थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा मसाला हम ऊपर से भी डालेंगे, हल्का सा लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा नमक। ये हमारे दही भल्ले बनके तैयार हो गए हैं। अब आप मेरे को काट के देखते हैं। ये देखिए, देखिए भले कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने आराम से टूट रहे हैं। तो ये हुई भले विद चटनी की प्रिपरेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। अगली बार हम आपके लिए और अच्छी रेसिपीज के साथ वापस आएंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑडियंस।